आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटायर फंक्शन क्या होता है। वो एंटायर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो, एनालिटिक हो। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट ना मिले हमें जहां पर ये एनालिटिक नहीं हो। यानी ए फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर ना, जो मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यानी ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिले हमें जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं हो, ठीक है। तो यानी सारे कॉम्प्लेक्स के सारे पॉइंट्स के ऊपर, यानी किसी भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं हो, ऐसा फंक्शन है वो क्या कहलाता है, एंटायर फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एंटायर फंक्शन के एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एफ जेड अगर मैं ले लेता हूँ ई की पावर जेड, तो जैसे कि हमने देखा ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक होता है, मतलब एंटायर होगा। इसी तरीके से एफ जेड ले लिया हमने साइन जेड, ये भी एंटायर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया मान लो कोस जेड, तो ये भी एंटायर होगा। अब मान लो लेते हैं हम टेन जेड, टेन जेड को क्या लिख देते हैं हम, साइन जेड अपॉन कोस जेड, ये एंटायर नहीं होगा। दिस इज़ नॉट एंटायर फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट एंटायर फंक्शन, ये एंटायर नहीं होगा, क्योंकि साइन जेड अपॉन कोस जेड एनालिटिक वहाँ नहीं होगा जहाँ क्या होगा, कोस जेड जीरो हो। कोस जेड जीरो कब होता है, जब जेड इक्वल टू पाई बाई टू हो। यानी जेड इक्वल टू पाई बाई टू पर ये एनालिटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन जेड अपॉन कोस जेड क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है पाई बाई टू पर, क्योंकि कोस जेड जीरो हो जाता है पाई बाई टू पर। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक नहीं है। यानी एक पॉइंट ऐसा मिल गया हमें पाई बाई टू जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है, मतलब ये एंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। अब आता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी अगर कोई सिंगुलैरिटी हो तो वो हमेशा पोल ही हो, समझे ना। यानी इफ़ ए फंक्शन हैज सिंगुलैरिटी देन, यानी ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन इज़ पोल। यानी अगर कोई, मान लेते हैं हम एफ जेड कोई फंक्शन है, अगर इसकी कोई सिंगुलैरिटी है यानी जहाँ पर ये एनर्जी है, तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए पोल। अगर किसी फंक्शन की सिंगुलैरिटी अगर सिर्फ पोल ही हो, पोल के अलावा उसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं हो, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाते हैं। यानी इस टाइप के फंक्शन में जो सिंगुलैरिटी होगी वो कभी भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, एक पोल ही बननी चाहिए, ना रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बननी चाहिए। तो क्या बननी चाहिए हमेशा, यानी जिसकी अगर कोई भी सिंगुलैरिटी होगी तो उस सिंगुलैरिटी को पोल होना ही होना पड़ेगा, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जैसे आपने, हमने पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, या हम कहते हैं कि आज तक आपने 12th लेवल तक इंटीग्रेशन जो पढ़ा वो किस टाइप का पढ़ा, फाइनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। लेकिन ये तो हो गया जब रियल, जब फंक्शन एफ एक्स क्या हो, एक रियल वैल्यूड हो, क्या हो, रियल वैल्यूड फंक्शन हो, क्या हो, रियल वैल्यूड फंक्शन हो। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन जो निकालना है वो किसका निकालना है, एक एफ जेड डी जेड का निकालना है। यहाँ पर तो एक्स क्या होता है, एक रियल नंबर होती है, लेकिन यहाँ जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। और अब यहाँ इंटीग्रेशन जो होगा वो इंटीग्रेशन ए टू बी नहीं होगा,
इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर हम कोई भी एक कोई भी वक्र लेंगे या कर्व जिसे बोलते हैं हम सी, क्या लेंगे, कोई भी एक कर्व लेंगे सी, दिस इज ए कर्व सी, हम इसके अलोंग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा सी, यानी हमें इंटीग्रेशन निकालना है एफ जेड डी जेड अलोंग द कर्व सी। जब सी क्लोज्ड हो जाता है तो कई लोग इसे ऐसे लिख देते हैं सी एफ जेड डी जेड, जब सी क्या हो, एक क्लोज्ड हो, क्लोज्ड का मतलब यहाँ से शुरू होके यहीं पर ख़त्म हो, ठीक है, क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर क्लोज्ड हो, ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व क्या हो गया, जिसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट एक हो, यानी फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू हो लास्ट पॉइंट, वैसे कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ ख़त्म होता है वो क्या होता है टर्मिनल पॉइंट, क्या होता है टर्मिनल पॉइंट, या सिंपल भाषा में कहें कि पहला पॉइंट है वही क्या होना चाहिए, लास्ट पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड, क्लोज का मतलब बंद, दिस इज क्लोज्ड, क्लोज करो हो तो इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देते हैं हम एफ जेड डी जेड और यहाँ सी हो जाता, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लोज करो क्या होता है, क्लोज करो वो हो गया जो बिल्कुल बंद हो, जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों सेम हो, और ये क्लोज नहीं है, ये करो है ये क्लोज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक जगह नहीं आए, जैसे ये दोनों एक जगह आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज करो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोज करो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि क्लोज करो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व क्या होता है, पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व, पैरामीटराइजेशन क्या होता है कि पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं, पैरामीटराइजेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी कर्व इस तरीके से बना हुआ है, अब क्या होगा कि इसकी इक्वेशन मान लिया, अब इसकी इक्वेशन किस में होगी, जेड, जेड में होगी, तो जेड में क्या कितने वेरी एक्स और वाई, जेड को क्या लिख सकते हैं हम एक्स और वाई, यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आ गए, हमारे पास क्या आ गए वेरिएबल्स, कितने आ गए टू, दो वेरिएबल आ गए, कौन कौन से, एक तो एक्स और दूसरा वाई। पैरामीटराइजेशन का मतलब क्या है, पैरामीटराइजेशन का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक्स वाई को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू ओनली वन वेरिएबल टी, हम क्या करेंगे एक ही वेरिएबल में ले जाएंगे, तो एक्स भी किसका फंक्शन हो जाएगा टी का, वाई भी किसका फंक्शन हो जाएगा टी का, तो जेड किसका फंक्शन हो जाएगा जेड टी का, जो क्या हो जाएगा एक्स टी प्लस आई वाई, ठीक है, अब क्या हो जाएगा जेड जो फंक्शन हो जाएगा वो एक्स और एक्स भी टी का वाई भी टी का, तो इसका मतलब जो फंक्शन जेड है वो भी क्या हो जाएगा टी का हो जाएगा, इस तरीके इस प्रक्रिया को बोलते हैं पैरामीटराइजेशन, यानी हम क्या करें एक्स और जेड तो था वो एक्स और वाई दो वेरिएबल में था, हम कोशिश करें कि जेड है वो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए टी में, इसी प्रक्रिया को पैरामीटराइजेशन बोलते हैं, तो इसके लिए हमें एक्स को भी टी में ले जाना पड़ेगा वाई को भी टी में ले जाना पड़ेगा, और जेड है ही एक्स टी प्लस वाई टी हो जाएगा, तो जेड किस में आ जाएगा सिंगल वेरिएबल टी में आएगा। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा कर्व सी जो है वो टी में आ जाएगा, टी में आ जाएगा, और टी की, और टी क्या होता है, टी होगा एक रियल वेरिएबल, टी क्या होगा रियल वेरिएबल, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन है सी एफ जेड डी जेड, अब ये तो कॉम्प्लेक्स में है,
ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, क्यों, क्योंकि जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो अब ये किस में हो जाएगा चेंज, ए टू बी एफ जेड टी इंटू जेड डैश टी डी टी, कितना हो जाएगा, एफ जेड टी इंटू जेड डैश टी डी टी, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये जो पहले सी में लिखा था हमने, वो किस में आ गया, रियल की लिमिट में आ गया, ए टू बी एफ जेड टी जेड डैश डी टी। अब ये इंटीग्रेशन किस में मिल गया, एक तरीके से रियल इंटीग्रेशन की तरह हो गया ये, दिखेगा लाइक ए, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है और टी तो रियल वेरिएबल है। अब वहाँ यहाँ पर वही चीज़ हम काम में ले लेंगे जो हमने 12वीं में पढ़ी, 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ी है, इंटीग्रेशन निकालने की। ये इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ लिमिट ए टू बी रियल की तरीके आ गई, ये चेंज हो गया इसमें। और ये काम सारा किससे हुआ, पैरामीटराइजेशन से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक बार हम पैरामीटराइजेशन, ये बात ज़रूर है कि पहले हम पैरामीटराइजेशन पे ले जाते हैं, और बाकी उसके बाद क्या हो जाता है कि कई थ्योरम्स आ जाती हैं, वो क्या करती है, इंटीग्रेशन को एक झटके में निकाल देती हैं। वो थ्योरम्स क्या होती हैं, कोसिस इंटीग्रल थ्योरम है पहली, तो है कोसिस सॉरी कोसी गोरसेट थ्योरम, फिर होती हैं कोसी थ्योरम दो, एक तो होती है कोसी गोरसेट थ्योरम, और दूसरी होती है कोसिस इंटीग्रल फॉर्मूला। इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम, फिर हमें ये पैरामीटराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंटीग्रेशन उन थ्योरम्स को यूज़ करके निकालते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन निकालने का बेसिक फंडा क्या है, वो हम यहाँ से सीखते हैं, ठीक है, कि वो मेन चीज़ क्या है, पैरामीटराइजेशन है। पैरामीटराइजेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रियल में चला जाएगा, जो बहुत आसान है, जिसको जो आज तक हम पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अभी जल्दी लूँगा मैं, थैंक यू।